सारे झुकते तो आप क्या है? नहीं, मैं नहीं झुक सकता हूँ। तो आप इतना कान खोल करके सुन लीजिए, मैं आपको 5 मिनट का मोहलत देती हूँ, और 5 मिनट से 6 मिनट नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं भूल गई, क्या? मैं नीचे से लेकर के मैं पूरी चोटी तक मैं हड़म चाहती। सच में तुम समझ गए? मैं आपको 5 मिनट का मोहलत देती हूँ, 5 मिनट से 6 मिनट नहीं होना चाहिए, और नजर में नजर मिला के बातें कीजिए। ठीक है, उधर हसक के बात बताओ। मैं 5 मिनट का मोहलत देती हूँ, 5 मिनट से 6 मिनट नहीं होना चाहिए, और 6 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज तक मैं हवेली से ब्रेकफास्ट करके आ रही हूँ, समझ गए? मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया है, ठीक है, मुझे शॉपिंग भी निकलना है। हाँ पिताजी, आज मुझे एहसास हो गया, आज मैं स्वयं अपनी नजरों से तुम दोनों को देख लिया कि सौतेली माँ काली नागिन होती है। आज काश यदि मैं उसी दिन तुम्हारी माँ की कहना मान लिया होता तो आज ये दिन तुम दोनों भाई को देखने के लिए नहीं पड़ता। लेकिन बेटा, पिताजी, मैं तो तुम्हारी माँ के साथ सत कर चुका हूँ, और आज आज महारानी का कहना हुआ कि दोनों पुत्र को हरिया जल्लाद की हाथों में दे दो। नहीं पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? जब हरिया जल्लाद को हम दोनों भाई देखते हैं, बहुत डर लगता है पिताजी। बेटा, जल्लाद के हाथों में हम दोनों भाई को नहीं दीजिए। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? ये एक तरछी में सत्य है तो दूसरे तरछी में तुम दोनों पुत्र हो। यदि आज एक तरछी हल्का करता हूं तो एक तरछा ऊपर होगा। इसलिए पुत्र, आज मैं अवश्य तुम दोनों भाई को हरिया जल्लाद के हाथों में दे दूंगा। भारती लसारे अब भुलई हारे बाबुआ, आज मैं इस वक्त महामंत्री के द्वारा हरिया जल्लाद को बुलवाता हूँ, और उसे तुम दोनों भाई को हाथों में सौंप दूंगा। तुम दोनों भाई साइड हो जाओ। पिताश्री, आपको सत्य बचाने के लिए हम दोनों भाई अपने प्राण के बलिदान दे देंगे, परंतु आपका सत्य असत्य नहीं होने देंगे पिताश्री। हाँ पुत्र, ठीक है पिताश्री। महामंत्री, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ जंगल, और जंगल से हरिया जल्लाद को ढूंढ कर लेकर आओ। आज मैं अपने दोनों पुत्र को हरिया जल्लाद के हाथों में दे डालूंगा। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो, तब तक दोनों बच्चों के ले जाइए, अपने पास रखिएगा, हम हरिया जल्लाद जी को बुलाने जा रहे हैं। हे भगवान,
देखो बड़का वर्ग एहनो मकान धन बनाए गेले। मंत्री भैया याद रखिएगा, जिन्होंने हमारे घर में आग लगाया होगा, हमारे स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाया होगा, समझ लीजिए नीचे वाले नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है। उत देखिए राजे, हम कत्ता इंसान आदमी छिए बड़का, वो जो हमारे घर में आग लगाया होगा वो अंधा हो जाएगा। हे भगवान, हमरा नहीं करियो अंधा बाबू, बड़ा बढ़िया आदमी छिए, बड़ा इंसान आदमी, रास्ता रास्ता जाए छिए बड़का बाबू, केकरे धान काटे छिए बाबू, बड़ा हम ईमानदार आदमी छियो, देखे छियो की भए गेलै, की सा की भए गेलै ये घर में, हम टुक टुक देखे छियो खाली बड़का बाबू। तब हरे आज दिन हजै हर म बड़का पेट वाला, बड़का माछ वाला जल्लदबा के ए उ बाथरूम लगा खींचे खींचे छह सात गो बच्चा खाए रे बड़का, ओकरे बोलावे छे, अरे ई घनघोर जंगल में हरिया जल्ला दे हो। पहले ये बता कि तुम मुझे किस लिए बुलाए हो? आपको बुलाए हैं दो बच्चे की हत्या करने के लिए। हत्या? लेकिन ये बताइए, आपका इतना बड़ा जो पेट है, बुतात क्या खाते हैं? बुतात, बुतात। बापू हसलो तो बुतात, सत्तर बोतल दारू और नब्बे पैसा, ये मेरा डेली का नाश्ता है। ओ बापू के मैयो, इतना इतना जो खाते हैं, पेट है कि दस कट्ठा खेत है, उतना नहीं खिलाएंगे, हल्का भोजन बताइए। हल्का हल्का, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से खेचा 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 खेचा, 25 बच्चा चाहिए खाली गोदी वाला। रुको रुको, गिना दा, अरे देखो हुंडा गलो भागलो, ऐसा 1, 2, 4, 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 5, 17, 17, 2, 19, 21, 21, 4, 25, जल्दी जाइए जल्दी जाइए जल्दी जाइए जल्दी जाइए। जल्लाद बाबू, ये गांव में बच्चा बहुत कम है, इसलिए महाराज जी को बुलाते हैं और आपको बच्चा देंगे खाने के लिए। ठीक है महाराज, आइए आइए, जल्लाद जी आ गए हैं। ए महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकारो। स्वीकारो
बताइए आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? जल्लाद, आज जो मैंने तुम्हें जंगल से अपने महल तक बुलाया हो, बुलाने का यही कारण है कि सबसे पहले ये बताइए कि दो बच्चे का हत्या करने का कीमत कितना लेते हो? एक लाख। एक लाख? हाँ ठीक है, मैं अवश्य 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन इस गांव वाले बच्चे को छोड़ दो और आज मैं अपने जीवन को टुकड़ी को आपके हवाले कर रहा हूं। ठीक है, आप उन बच्चों को मेरे हाथ हवाले कीजिए, आपको कोरा और कलेजा मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए और मेरे नजरों से इतनी दूर लेकर जाइए ताकि गंदी हवा माने मानकपुर शहर को छू नहीं पाए। ठीक है शिव भगवान, रुक जाइए पिताश्री। एक क्या आज जल्लाद के हाथों में देकर हम दोनों भाई को आप महल की ओर जा रहे हैं। बेटा, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? परंतु पिताश्री, परंतु क्या? महल जाने से पहले हम दोनों भाई को आशीर्वाद तो देते जाइए ताकि जल्लाद के हाथ से मर जाने के बाद हम दोनों भाई को आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी आशीर्वाद क्या? मैं तुम दोनों भाई को दूं? पुत्र, मैं तो अवश्य तुम दोनों को आशीर्वाद देकर जाऊंगा। हाँ पिताजी, लेकिन सब ये खेल तो ऊपर वाले का है। बेटा आहो दसनवा आजोड़ी का आपके हवाले कर रहा हूं। ठीक है, मेरे नजरों से दूर लेके चले जाना ताकि गंदी हवा मेरे महल को छू नहीं पाए। नहीं छू पाएगा बेटा। सीता और बसंत,
हाँ पिताश्री, जिस प्रकार से तुम अपनी मां की सूरत हर हमेशा के लिए अपने दिलों से बाहर कर दिए हो, उसी प्रकार से आज